वट डू यू मीन बाय टेट्रा साइकिल टेट्रा मतलब होता है चार और साइक्लिन मतलब साइकिल जहां चार साइकिल दिखेंगे उसे बोलेंगे टेट्रा साइकिल तो ये एक्शन जो शो करता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मतलब ये नैरो सॉरी uh, ये पॉजिटिव ग्राम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों की और एक्शन शो करता है दोनों को क्लियर करेंगे ओके ये बैक्टीरियो है एक बात जो भी सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरियो होते हैं मतलब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते उन्हें किन नहीं करते ओके okay. बट दो ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबीटर है जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड स्पेक्टिनोमाइसिस जो बैक्टीरियोसिडल है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन सिंथेसिस इनिबीटर इज बैक्टोरियोसिडल तो या तो उसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड दे, दे देंगे या स्पेक्टिनोमाइसिन तो वो आप टिक कर सकते हो ओके okay. इसका जो सोर्स होता है वो एक्टिनोमाइसिड से होता है Uh, कुछ एंटीबायोटिक्स फंगी से मिलते हैं कुछ बैक्टीरिया से मिलते हैं तो ये जो मिलता है वो एक्टिनो से मिलता है और अदर कुछ है जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लोराम फेनिकॉल टेट्रा साइक्लिन एंड माइक्रोलाइट तो इसको हम एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं दैट इज एक्ट लाइक पीएम तो एसीडी से आपका एक्टिनो भी हो जाएगा और एसीडी से आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लोराम फेनिकॉल टेट्रा साइक्लिन एंड माइक्रोलाइट्स ठीक है तो इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा एक आपको प्रेक्टम पूछेंगे उसका एक्शन पूछेंगे स्टैटिक है कि सिडल है सोर्स पूछेंगे ओके नेक्स्ट स्लाइड तो इसमें क्या होता है टेट्रासाइक्लिन जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो बेंजामिन डुगर ने किया था ओके ये क्वेश्चन नाइपर में पूछते हैं ऐसे जो फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन था ओके इट वॉज क्लोर टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन नहीं है ये क्लोर टेट्रासाइक्लिन है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और ये जो बना था वो स्ट्रेप्टोमाइ शियन से मिला था जो कि गोल्डन येलो कलर का है ओके तो देखो टेट्रा साइकिल जैसे मैंने बोला था जहां चार रिंग होती है जैसे यहां दिख रहा है ए बी सी डी चार रिंग्स है ओके तो इट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकेम स्ट्रक्चर वगैरह बट ये जो है वन और इलेवन पे डबल बॉन्ड ओ लगाए ठीक है थीके? फिर ट्वेल्व पे ओ एच लगाए टेंथ पे भी ओ लगाए सेकेंड पोजिशन पे सी एन एच टू लगाए थर्ड पे ओ लगाए फोर्थ पे एन डाय मिथाई अमाइन लगता है और यहाँ पे सिक्स uh, पोजिशन पे OH और एच लगता है ओके okay, तो ये जो फाइव सिक्स और सेवेंथ वाली पोजिशन है वहां पे हम चेंजेस कर सकते ओके okay, और फाइव और सिक्स पे हमेशा मोनो सब्सटीट्यूशन होगा मतलब कोई एक ही ग्रुप सब्सटीट्यूट करेगा वहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एक ही ग्रुप सब्सिट्यूट करेगा और जो सिक्स पोजीशन है वहां पे डाई सब्सिट्यूशन होगा ओके ओ एच भी चेंज हो सकता है वहां से और वहां से मिथाइल ग्रुप भी चेंज हो सकता है और नए नए डेरिविटिव फिर इससे बनेंगे अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे मैंने बोला टेट्रासाइक्लिन जो तो थे वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं okay, ओके अभी इसका इनिबिशन कैसे होता है आ, देखो ये होती है ए साइट ये होती है पी साइट ठीक है ये है अमाइनो एसिलीआरएन ए अब ये अमाइनो टीआरएनए क्या करेगा ना इस ए साइड पे आके बाइंड हो जाएगा मैं नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रही हूँ जो विदाउट टेट्रासाइक्लिन होगा जब टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट नहीं है तब ओके ए साइड पे अमाइनो एसिल टी आर एन ए आके बाइंड हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पे आ जाने के बाद ये पी साइड पे जाएगा फिर पी साइड पे जाने के बाद ये अलग 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 अमाइनो एसिड्स आएंगे ये सारे अमाइनो एसिड्स आएंगे और फिर यहां पे पूरे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनेगा फिर यहाँ पे और एक साइट होती है उसको बोलते हैं एग्जिट साइट उस एग्जिट साइट से ये प्रोटीन बनके बाहर निकल जाएगा और फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी फिर से अमाइनो एसिड टी आर आएगा फिर पी साइड पे जाएगा फिर आमाई... ये प्रोटीन बनेगा फिर निकल जाएगा तो ये कंटिन्यू चलता रहता है ठीक है तो हमको क्या करना है इस बैक्टीरिया में जो ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है इसको रोकना है तो व्हाट विल वी डू हम क्या करेंगे उस पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन दे देंगे अब टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा इस ये जो ए साइट है ये जो थर्टी एस राइबोजोम है इस ए साइट पे जाके ये बाइंड हो जाएगा अभी उसने अमाइनो एसिड टीआरएन की जगह ले ली ठीक है तो अभी अमाइनो एसिड टीआरएन कैसे आएगा यहाँ पे यहाँ पे तो टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है तो उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा पहला पॉइंट क्लियर की प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर अब ये बाइंड किस सब यूनिट पे हो गया तो ये जो राइबोसोम होता है इसमें एक बड़ा सब यूनिट होता है जिसको जिसको बोलते बोलते हैं और एक छोटा सब यूनिट होता है थर्टीएस थर्टी एस पे बाइंड हो रहा है तो ये बाइंड टू दर्टी एस राइबोसोम सेकंड पॉइंट क्लियर अब किसकी बाइंडिंग को इनहिबिट कर रहा है टीआरएनए की अमाइनो एसिल टीआरएनए की बाइंडिंग को इनहिबिट कर रहा है कौन टेट्रासाइक्लिन तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है या सेल वॉल इनिबीटर है क्या है तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस पता होना चाहिए किस सब यूनिट पे बाइंड हो रहा है आपको दे देंगे 50, 60, 70, 30 तो 30 पे क्लिक करना है और किसके बाइंडिंग को इनिबिट करता है तो अमाइनो एसिड टी आर एन ई की बाइंडिंग किस साइड पे आपको ऑप्शन देंगे ई पी या ए या फिर ऑल द अबव तो ए साइड पे बाइंडिंग से इनिबिट करता है ओके ये हो गया इसके बाद नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ओके okay, पूरे चैप्टर की तो क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो हमने डिवाइड किए उसको आ, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग एक होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग एक होता है लॉन्ग एक्टिंग तो शॉर्ट एक्टिंग में ऑक्सीटेट्रा टेट्रासाइक्लिन टेट्रा एंड क्लोर टेट्रा इसका सिंपल सा निमोनिक है ओ टी सी जैसे हम याद करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग उस तरीके से आप याद रख रखते हो ऑक्सीटेट्रा टेट्रासाइक्लिन टेट्रा एंड क्लोटेट्रा साइक्लिंग तो ऑक्सीडेट्रा साइक्लिंग का जो सोर्स है वो है रीमोस स्ट्रेप्टोमाइस रीमोस ओके टेट्रासाइक्लिन तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है जो बनाया गया था क्लोटेट्राइक्लिंग जो पहले डिस्कस हो गया स्ट्रेप्टोमाइस ओरियोफेसियस ओके स्टेप्टोमाइस ओरियोफेशियस से मिलता है फिर उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग का जो निमोनिक है वो इस तरीके से डे लाइम ठीक है डे लाइम तो हम किसी को बोल रहे हैं कि हमको लींबू दो हमको लाइम दो ठीक है तो उसको याद कैसे करेंगे एक होता है डेमेक्लोसाइक्लिन लाइमेसाइक्लिन एंड मिथासाइक्लिन डेमेक्लोसाइक्लिन का भी सोर्स क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियस तो इसको याद कैसे रखें देखो इसमें भी क्लो आता है इसमें भी क्लो आता है तो क्लो क्लो से आप याद रख सकते हो स्टेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियस से इसका सोर्स है ओके लॉन्ग एक्टिंग में सिर्फ दो ही आते हैं दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन तो जो डॉक्सीसाइक्लिन है उसको याद कैसे करेंगे डॉक्सी साइक्लिन मीनोसाइक्लिन को दो मीनोक तो हम ऐसे याद रखते हैं डोमिनोज तो हम इसको याद रखेंगे डोमिनॉक ठीक है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन तो क्वेश्चन क्या आएगा मिनोसाइक्लिन पे ही आता है मतलब ऑप्शन दे देंगे आपको चार पांच और बोलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टेट्रासाइक्लिन कौन सा है तो मिनोसाइक्लिन टिक कर देना या तो सोर्स पूछेंगे ऑक्सी टेट्रा का क्लोर टेट्रा का सबका आपको एक्शन भी पूछ सकते हैं कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है इंटरमीडिएट कौन सा है लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है तो वो बता सकते हैं ओके okay. uh, उसके बाद न्यूअर कैटेगरी न्यूअर कैटेगरी में सिर्फ एक ही ड्रग इंपॉर्टेंट है दैट इज टीगे साइक्लिन ओके तो सिर्फ टीगे साइक्लिन इम्पोर्टेंट है बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसका आप टाइम पीरियड याद रख सकते हो दैट इज थर्टी सेवन टू सिक्सटी सेवन आवर्स ओके इसको याद रखेंगे इस निमोनिक से सोटे सैरे साइक्लिन ओमेडो साइक्लिन टीगे साइक्लिन एंड इरवा साइक्लिन ओके okay? नेक्स्ट अभी टेट्रासाइक्लिन क्या मतलब उसके कुछ फीचर्स है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख सकते हैं तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है ना सो टेट्रा साइक्लिन जो होता है इसका एक्वियस सोल्यूशन अगर आप बनाओगे तो वन अनस्टेबल होगा ठीक है इसका टेस्ट थोड़ा बिटर है और ये वाटर में थोड़ी ही सोल्यूबिलिटी शो करता है स्लाइटली सोल्यूबल होता है ओके okay, अभी टीगेन अगर टीगे साइक्लिन की बात करें तो ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जैसे टेट्रा साइक्न था वैसे ही है सेम ये लॉन्गेस्टिंग टेट्रा साइक्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेट्रा साइक् लॉन्गेस्ट एक्टिंग है तो टीगे साइक्लिन इज अ लॉन्गेस्ट एक्टिंग ओके मैकेनिज्म सेम टेट्रा साइक्लिन जैसा है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेगा थर्टी एस सब यूनिट पे बाइंड होगा ए साइड पे जाके अटैच होगा ठीक है सेम और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि मतलब काम नहीं है इट इज नॉट सुटेबल फॉर यूटीआई अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्लासिफिकेशन में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे टेट्रासाइक्लिन ड्रग जो होती है वो बहुत अच्छे से यूज की जाती है बट वहां पे टीगे यूज नहीं होता तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको बोल देंगे कि कौन सा टेट्रासाइक्लिन ऐसा है जो यूटीआई में इफेक्टिव नहीं है तो आपको टीगे पता होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन इतने ही आएंगे इस स्लाइड से नेक्स्ट जो है जो टीगे साइक्लीन है वो इनफेक्टिव है अगेंस्ट प्रोटीस एंड सोडोमोनास ओके उसके बाद इरवा साइक्लिन जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज होता है ओमैडो साइक्लिन जो होता है ये निमोनिया और स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है सैरे साइक्लिन इन्फ्लेमेटरी लेशंस एंड एक्नी में यूज होता है ये कॉमन यूजेस है इनके अभी मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मिनट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इफ्लक्स पंप कैसे एक्ट करता है अब इसके पास है एक इफ्लक्स e पंप ये क्या करेगा इस टेट्रासाइक्लिन को इस पंप से बाहर भेज देगा टेट्रासाइक्लिन उसके बॉडी के बाहर जा रहा है तो टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन अब एक्शन कर, शो करेगा क्या नहीं मतलब उस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उस टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट ओके okay. ये उसका एक मेकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस हो गया सेकेंड वाला जो होता है जो राइबोजोम होता है ठीक है ये जो राइबोजोम का मॉलिक्यूल होता है ना ये ऊपर बड़ा ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो आ, इस राइबोसोम के पास एक प्रोटेक्शन प्रोटीन प्रोटेक्शन प्रोटीन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है कौन सिंथेसिस करता है उसकी प्लाज्मिड प्लाज्मिड मीडिएटेड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोटीन विच प्रोटेक्ट द राइबोसोम बाइंडिंग साइट फ्रॉम इट तो यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट होती है ना ये तीन जो मैंने बोली थी तो इस बाइंडिंग साइट को क्या करेगा वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और उस प्रोटेक्शन की वजह से टी टेट्रा वहां पे आ सकेगा क्या टेट्रासाइक्लिन आ नहीं सकेगा और एक्शन शो नहीं होगा मतलब ये क्या हो गया उसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस फार्मोकोकेटिक्स से एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो देखो पहले तो ये ओरल एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज बाय फूड एंड मल्टीविटामिन आप किसी भी फूड दे रहे हो बहुत मल्टीविटामिन तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा टेट्रा और सारे टेट्रा जो होते हैं वो यूरिन से सिक्रेट होते हैं बट एक ही है जो सिर्फ फीकस से सिक्रेट होता है दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन तो क्वेश्चन घुमा के कैसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रा इज सेफर ड्यूरिंग रिनल फेलियर तो रिनल फेलियर में कौन सा सेफ होगा जो रिनल से सीक्रेट नहीं होगा तो डॉक्सीसाइक्लिन ठीक है यूरिन से सारे सीक्रेट होते हैं सिर्फ एक ही होता है डॉक्सीसाइक्लिन जो फिकस से सीक्रेट होता है ओके नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट में आप याद रख सकते हो उसको कपिल देव इस निमोनिक से तो पहला जो होता है दैट इज किडनी फेलियर ओके एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन जो हमने पहले ही देखा एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट एनाबॉलिक एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है उसका रिडक्शन होना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देना उसको बोलते हैं एंटी एनाबोलिक इफेक्ट पी फॉर फोटो सेंसिटिविटी फोटो सेंसिटिविटी जो सारे टिट्रा शो करती है वैसे बट सबसे ज्यादा जो होता है वो डिमेक्लोसाइक्लिन से होता है तो आपको जो ज्यादा होता है जो एकदम कम होता है जो एकदम स्पेशल एडवर्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फोटो सेंसिटिविटी जो सबसे ज्यादा होती है वो डिमेक्लोसाइक्लिन से होती है और एक होता है इसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन तो इसको याद कैसे रख सकते हैं फोटो दे दो दे से हो जाएगा डिमेक्लोसाइक्लिन और दो से हो जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन आई फॉर इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस ये भी सबसे ज्यादा डिमेक्लोसाइक्न शो करता है एल फॉर लीवर टॉक्सिसिटी हिपैटिक नेक्रोसिस ओके डी फॉर डेंटाइशन एंड बोन डिफेक्ट्स मतलब जो टेट्रासाइक्लिन होता है ये चिलेशन करता है तो जो दांतों में कैल्शियम वगैरह होता है तो उसके साथ टेट्रासाइक्लिन टेट्रा फॉर्म करता है इसीलिए बोन डिफेक्ट्स आते हैं और तिथ डिफेक्ट्स आते हैं इसीलिए इसको प्रेगनेंसी में और चिल्ड्रन में नहीं दिया जाता ओके okay. जो भी एक्सपायर्ड होते हैं टेट्रासाइक्लिन जिनकी मतलब एक्सपायर्ड हो चुके हैं वो फानकोनी सिंड्रोम कॉज करता है फानकोनी सिंड्रोम जो ये किडनी से रिलेटेड ही सिंड्रोम है जहां पे आ, यू कैन से किडनी खराब हो जाती है okay, ओके तो फानकोनी सिंड्रोम होता है एक्सपायर्ड टेट्रा साइक्लिन से वी फॉर वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन तो यहां पर क्या होता है uh, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है ये आपका ईयर से ओके okay, तो आपको चक्कर वक्कर आएंगे तो वो होता है वेस्टिबुलर डिस्फंक्शनिंग ये सबसे ज्यादा जो शो करता है ये मीनोसाइक्लिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये किनमे कॉमन होता है वीमेंस में वीमेंस में होता है और ये मीनोसाइक्लिन शो करता है दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसके अगर आप समझो बीटा लैक्टम में जो पेनीसिल्स होता है पेनिसलिन और टेट्रासाइक्लिन इनको कभी एक साथ नहीं दिया जाता क्योंकि अगर एक साथ दो दे दोगे तो वो एक दूसरे को इनएक्टिवेट कर देंगे और एक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा ओके नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन को कभी इंट्राथिकली नहीं दिया जाता तो ये एडवर्स इफेक्ट हो गए और दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए क्वेश्चन क्या आएगा किडनी फेलियर में कौन सा यूज नहीं करते तो वो आ जाएगा फोटोसेंसिटिविटी कौन ज्यादा शो करता है डायबिटीज इंसिबिटस कौन ज्यादा शो करता है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फोटोसेंसीटिविटी होती है क्या नहीं होती है ऐसा भी पूछ पुछ पूछ लेंगे जब आप बहुत सारा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा बट अभी धीरे धीरे हो जाएगा बोन डिफेक्ट्स होता है तो वो किन में नहीं देना चाहिए ओके फानकोनी सिंड्रोम किन किन रक्स से होता है तो वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ओके उसके बाद यूज यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन अगर आप देखोगे तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है बहुत सारे ऐसे डिसीज है तो इसको एक सिंपल बात है पीवीसी बार्क करके आप याद रख सकते हो पी फॉर प्लेग वी फॉर वेनरल डिसीजेस मतलब जो भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गए वो सी फॉर कॉलेरा बी फॉर ब्रूसिलोसिस ए फॉर अटिपिकल निमोनिया आर फॉर रिकेटशियल इन्फेक्शन एंड सी फॉर क्लामाइडियल इन्फेक्शन ओके कुछ अदर यूजेस भी है आ, मलेरिया का प्रोफाइल एक्सिस मतलब अगर किसी को हम बोल रहे हैं कि उसको मलेरिया नहीं होना चाहिए आगे चल के तो उसको हम डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे दे तो ओके है okay. अमीबिया से इसमें यूज होता है ओके okay. एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो पेप्टिकल्सर होते हैं ना उसमें टेट्रासाइक्लिन यूज होता है सिंड्रोम ऑफ इनऑप्रिप्रिएट एडीएच सिक्रीशन ओके तो जहाँ पे एडीएच एंटी डाइरेटिक हॉर्मोन इमोप्रियट सिक्रीशन होता है वहाँ पे हम डिमेक्लोसाइक्लिन यूज कर सकते हैं ओके लेप्रेसी जो होता है हैंड्स एंड डिसीज बोला जाता है इसको वहां पे भी टेट्रासाइक्लिन यानी विमिनोसाइक्लिन यूज़ होता है सो so, इनमें क्वेश्चन क्या आते हैं वही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे देंगे चार ऑप्शन देंगे कोई भी फालतू यूज दे देंगे एक जोगा उसमें से हमारा आंसर हो जाएगा तो वो आपको टिक करना है ओके okay. और जब जब आप डिसीज पढ़ोगे ना एक 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 तो आपको सारे ड्रग्स याद हो जाएंगे तो ये हो गया हमारा टेट्रा इट इज वेरी सिंपल वेरी इजी ये मेकेनिजम एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बस इतना याद रखना है ये प्रोटीन सिंथेसिस से इनिबिटर होता है टीएस को पाइंड मतलब जो ए साइट है वहां पे बाइंड होता है थर्टी एस राइबोजोमल यूनिट पे ओके सो दिस वाज टेट्रासाइक्लिन, थैंक यू सो मच